बंदा यो यो हनी सिंह बना हुआ है और ये हमारा छोटा बेबी रावी। ऑफिशियली हमने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा अपने व्लॉग्स में, फर्स्ट टाइम होगा रावी दिखेगी आपको। कोई भाई साहब टोल नहीं दे रहे हैं, बहस कर रहे हैं। क्या है? पंचर भी है, पता सा है, पता नहीं क्या घुसा हुआ है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं यार। यमुनानगर अपने बीवी और बच्चों को लेने, तो मैं आपको दिखाता हूँ आज जम्मू सबसे बेस्ट की शुरुआत इस व्यू से, जो कि काफी मस्त भरा है। सर्दियों में मौसम लगा आने तो अब ये तो रेगुलर हो जाएगा। तो तैयारी हो चुकी है, मैं बैठ गया हूँ गाड़ी में और हूँ निकलने के लिए तैयार। नहा धो के रेडी होके ब्रेकफास्ट करके जा रहा हूँ। मेरे को निकलना तो सुबह 5 बजे, पर अब बज रहे हैं 9 सुबह के। करण शर्मा एज यूजुअल लेट हो गए हैं, तो अभी मैं निकलूंगा, तो आपको रास्ते में मिलता हूँ, अच्छी अच्छी चीजें दिखाता हुआ। रुकूंगा मैं तो हूँ नहीं, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और 4 घंटे लगते, तो अब मैं हो सकता है नॉन स्टॉप जाऊँ, तो ये सफर मैं शायद 3.5 घंटे में पूरा कर लूँ। चलो जो भी होता है, करते हैं जर्नी की शुरुआत, मिलते हैं आपसे आगे। आजकल देखो बरसातों के बाद पेड़ कितने हरे भरे हो रखे हैं। तो निकलते ही एक झटका लगा हमें, टायर हमारा है पंक्चर। जहाँ से मैंने डीजल डलवाया, मैंने सोचा पंक्चर भी लगवा लेता हूँ, भाई के पास पंक्चर किट ही नहीं थी, तो आगे कहीं लगवाऊंगा। बट हम पहुँच गए हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे। अब यहाँ से 45 मिनट्स में तो मेरठ के लगेंगे, आई गेस 3-3.5 घंटे पहुँच जाना चाहिए मेरे को। पूरा रास्ते में ऐसा लग रहा है जैसे फॉग है आसपास, धूप निकली है तेज और मिस्ट है, इतनी गंदी पोल्यूशन हो रखा है। सर्दियों के हुए गंदी वाली शुरुआत, अब यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल होता है। दिखाता हूँ, कैमरा ना जस्टिफाई नहीं करता है, कैमरा सब साफ दिखा रहा है। मैं अभी आंखों से देख रहा हूँ अपनी, तो सारा ऐसा लग रहा है कि धुआं ही धुआं है सारा सब तरफ। और मेरठ पहुंचने वाले हैं, बस मेरठ टोल प्लाजा पे पहुंच गया हूँ मैं, वो 1 किलोमीटर दिख रहा है दूर, मेरे को आधा घंटा लगा है मैक्स। चला मिस्ट होती है ना तो खूबसूरत रास्ते पे बेकार ही लगते हैं, इतनी मिस्ट है आसपास, बेकार सा अजीब सा लग रहा है। मेरठ पहुंच गया हूँ मैं, भसड़ वाला रास्ता है, और मुझे फोर्ड का शोरूम दिखा है यहाँ पे, मचारी फोर्ड। अब टायर पंक्चर हो गया तो कोई पंक्चर वाला ढूंढ के पहले पंक्चर लगवाएंगे। फिलहाल के लिए भी निकलता हूँ, देखता हूँ कोई पंक्चर वाला आता है आगे तो पंक्चर लगवा के फिर निकलता हूँ, क्योंकि पंक्चर टायर के साथ ऐसे हाईवे पे ट्रैवल करना थोड़ा रिस्की काम है। चलो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको जहाँ भी पंक्चर लगवाऊंगा। वही गैन टायरों का भी काम अब घिस गए हैं ये वाले, डाउन हो गए। हाँ हो गए, 40,000 चल चुके हैं ये। 40,000 चल गए क्या दिनों वाले? हाँ इतने चल जाएंगे, 10,000 और चला लो कुछ। पंचर नहीं है अब सही, वो वही है पंचर भी है, छोटा सा है, पता नहीं क्या घुसा हुआ है। पंचर लगवा लिया, इतनी सी कील थी छोटी सी, बार बार हवा निकल रही थी उसकी वजह से। तो मैं निकलूंगा यमुनानगर के लिए, अब मैं रुकने नहीं वाला हूँ, मेरा आधा पौना घंटा खराब हो गया पंक्चर में। ये पीले पीले फूल इतने बढ़िया लग रहे हैं, मैंने कहा ये तो शूट करने बनते हैं। बाकी रास्ता बड़ा सही लगता है यार मेरे को, अच्छा बना हुआ है और आसपास खेत हैं, बढ़िया फूल वूल लगे हैं, बहुत मजा आ रहा है अकेले चलाने में। उड़ते उड़ते जा रहे हैं, ये देखो सारे इस रास्ते में फूल लगे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं यार। और इस तरफ है खेत, गन्ने हैं शायद, खेती बाड़ी की मेरे को कमी नॉलेज है, पर ये फूल तो भैया लाजवाब लग रहे हैं। और एक गाड़ी उड़ती उड़ती आ रही है, उसको निकलने देते हैं हम। ये गई स्विफ्ट उड़ती उड़ती, हम मजे में चले हुए 80-90 की स्पीड पे, कभी कभी 100 टच कर रहे हैं। नेचर्स क्वालिटी एंटर करने रुका था मैं अभी, और बड़ी अच्छी जगह में हूँ पीछे, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को आम वाम के बाग है यहाँ पे और खेत गन्ने के, बढ़िया जगह दिखाता हूँ। ये देखो ये हाईवे है, आसपास खेत और पेड़ ही पेड़ है, बढ़िया जगह है ये। और ये बैठे हैं हमारे महादेव, कितना सही लग रहा है। पंक्चर लगाने में जो टाइम वेस्ट हुआ उसकी वजह से अब मेरे को मतलब 1.5-2 घंटे और अभी है, वहाँ पे 35-40 मिनट लग गए थे मेरे को पंक्चर लगवाते लगवाते। मेरे को लगा एक टायर में पंक्चर है, पिछले 2 टायर में पंक्चर था, और एयर इनटेक की जो वेल्व होती है वो भी खराब थी दोनों टायर्स में। अभी हरिद्वार वाली रोड छोड़ के मैं सहारनपुर वाली साइड आ गया, यमुनानगर जाने के लिए थोड़ा सा डिटूर लेना पड़ता है, मैं गलत चला गया था, मैं वीडियो बना रहा था, मैप देखा नहीं, उन्हें सीधे चला गया, फिर मैप ऑन किया तो उसने मेरे को वापस मुड़वाया। कोई भाई साहब टोल नहीं दे रहे हैं, बहस कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं पीछे करो, पीछे भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई साहब ना टोल दे रहे थे ना गाड़ी बैक कर रहे थे, लोगों को परेशान और कर रहे थे। तो
भैया पता नहीं टोल क्यों नहीं दे रहे थे, टोल तो सभी दे रहे हैं, तो फिर आपको एक्सेप्शन पड़ी है। सहारनपुर रह गए 48 किलोमीटर, यहाँ से 48 किलोमीटर से मुड़ाते हुए ले जाएंगे, रोड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ये, एकदम स्मूथ है, एकदम गड्ढा और अच्छे नज़ारों के साथ में है। और आज इंडिया पाकिस्तान मैच है भैया, वो ही मिस करने का, तो टाइम से पहुँचेंगे भैया, इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं मिस करने का, जो मर्जी होते दुनिया में उलट पुलट इंडिया पाकिस्तान मैच भी मिस हो सकता है। तो इसके लिए 1:30 बजे तक घर गाड़ी लगा देंगे ताकि बढ़िया से पिच रिपोर्ट वगैरह देख के, ड्रीम इलेवन पे पैसे भी तो लगाने हैं यार, मतलब हो सकता है कुछ दिख ही जाए। वो देखो साइड में ये बना हुआ है पूरा, मैं दिखा नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी, लेट्स फोकस ऑन द रोड। इस वाले ब्रिज पे ऐसे ऐसे रास्ता है, तो मैं अगर ध्यान हटाऊंगा अपना तो भैया उड़ के सीधे मुजफ्फरनगर शहर में लैंड कर दूंगा, वो मेरे को करना नहीं है। अगर मेरे को मॉस्क दिख जाता है ऊपर से तो मैं आपको दिखा दूं, अदरवाइज हम वैसे ही चलेंगे। रिस्क नहीं लेने का, स्पेशली व्हेन यू आर अलोन, कोई साथ में हो तो वो शूट कर सकता है, अकेले नहीं करने का। बिल्कुल मेरे लेफ्ट में है, हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है शायद घूमकर के जो फ्लाईओवर है वही निकलेगा, तो वो शायद मेरे सामने आ जाएगा। लगता तो बहुत बढ़िया है, मुझे पता नहीं है एक्चुअल में क्या है ये। अभी मैंने मेन हाईवे छोड़ा है और एक शॉर्टकट लिया है, ये सीधे मेरे को अम्बाला वाले हाईवे पे जोड़ देगा, जहाँ से मेरा सिर्फ 50 मिनट्स का ट्रैवल रह जाएगा। मेरा पोपट हो गया तगड़े वाला, मैं शॉर्टकट के चक्कर में आ गया यहाँ पे, जहाँ मेन हाईवे पे मिलते हैं वहाँ पे साला पुलिस वालों ने रास्ता बंद किया हुआ है, पूरा रास्ता टूटा हुआ था, मेरे को वापस 10-12 किलोमीटर जाना पड़ेगा और फिर मेन मतलब हाईवे पे मिलके आगे से फिर एक लेफ्ट लेना होता है, वहाँ से लेफ्ट लेके मैं आऊंगा, तो मतलब मेरे को 20-30-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। इस हाईवे पे मिलना था मेरे को, अब मैं घूम फिर के आके मिला हूँ, ज्यादा नहीं वैसे मेरे को टाइम तो 10-12 मिनट ही लगा है, 12 मिनट लगे, किलोमीटर थोड़े से एक्स्ट्रा पड़ गए, मैं 2 बजे पहुंचूंगा मेरे को ऐसा लग रहा है, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान शुरू होने से पहले। कभी कभी सुबह से ही कटना शुरू हो जाता है, आज वैसा ही दिन, मेरे को बोला गया था कि बिल्कुल स्मूथ रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से मक्खन की तरह आओगे, मक्खन बन गया है मेरा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से मेरे को वापस हट के जाना पड़ा था, ये देखो साइड में ना खोद रखा है सारा। अभी मेरी वाइफ वगैरह पिछले हफ्ते ही आए हैं इस रोड से, तब ये खुला था, मेरा स्वागत करा है इन्होंने, मेरे आते ही रास्ता बंद कर दिया, सारा खोदा हुआ है, देख रहा हूँ पूरा का पूरा खोद रखा है साइड में से। ये देखो ये जगह आ गई वो जहाँ से मेरे को मिलना था, फिर मिल नहीं पाया, बंद किया हुआ है रास्ता, पीछे से गाड़ियां मुड़ रही है, कितना पास से मतलब मेरे को वापस जाना पड़ा है एकदम, पीछे से रास्ते यहाँ से आते हैं तो वहां से गाड़ियां फंसी हुई सारी, किसी को आने नहीं दे रहे, लोग जबरदस्ती ट्राई कर रहे हैं आने की, बट मुझे लगता नहीं आ पाएंगे। मैंने मेन हाईवे छोड़ दिया और अब मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ घर की तरफ, मैं आपको ये रास्ता दिखाता हूँ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, आसपास मतलब खेत और बीच में एक छोटी सी सड़क है, तो मैं दिखाता हूँ। तो करंटली अभी जमुनानगर सिटी घूम रहा हूँ अपने ब्रदर इन लॉ के साथ, आ गया था मैं 2 बजे पहुंच गया था, मैच शुरू हो गए थे इंडिया पाकिस्तान का, तो भैया अभी खत्म हुआ मैच, तो मैं अभी निकला था इसके साथ, सारा दिन हमने देखा है मैच, कुछ नहीं करा, बच्चों तक से मिला नहीं अच्छे से, मैं मैच में इतना बिजी हो गया था, और इंडिया ने कतई पेल दिया पाकिस्तान को, तो बहुत ही खुशी हो रही है, उसकी खुशी में हम ये खा रहे हैं, ये पता नहीं कौन सी पूरी होती है, सम सेफ पूरी समथिंग, बड़ी टेस्टी है, ये खा रहे हैं और घूम रहे हैं यमुनानगर से। तो ब्लॉग को एंड करना है तो थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं इसे, चीयर। यमुनानगर सिटी दिखाता हूँ आप, मेन मार्केट तो नहीं है मतलब, ये मार्केट है ना, ये मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन, ये करंटली नेक्स्ट डे है, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था तो हमने कुछ उसके बाद बनाया ही नहीं, मैं 2 बजे पहुंचा था, क्योंकि मैच शुरू हो गया था, सारा दिन मैं मैच देखा, उसके बाद रात को हम यमुनानगर गए थे, वो मैंने थोड़ा शूट किया था सिटी में, और अब हम जा रहे हैं वापस घर को वापस। हाँ घर को वापस, वो देखो ये बंदा यो हनी सिंह बना हुआ है पूरे, वो हेडफोन्स लगा के अपने साइज से बड़े, और ये है हमारा छोटा, और ये हमारा छोटा बेबी,
रावी ऑफिशियली हमने इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा अपने व्लॉग्स में, ये फर्स्ट टाइम होगा रावी दिखेगी आपको। तो देखो ये 6 महीने का हो गया बेबी, अब हम 6 महीने तक हमने इसको दिखाया नहीं बिल्कुल भी, अब हम फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं इसको। चलो फिर आज का व्लॉग हम वहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में, टाटा है, बाय बाय है। और अगर पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को हमारे लाइक भी कर देना, और होपफुली आगे और अच्छा कंटेंट बनाएंगे। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, बाय रावी, रावी भी बाय कर रही है, चलो बाय।